जोहार झारखंड, आप लोगों को लेके चलते हैं रांची टू डुअर्स सिलीगुड़ी। यह प्रारंभ हो गया मेरा सफर डुअर्स का और यह रहा आपका चाय का बगान। बहुत ही खूबसूरत है, ये देखिए बहुत ही सुंदर लोकेशन है और कितना सुंदर स्मेल कर रहा है चाय चाय पूरा बगान। चाय चाय तो फील हो रहा है। ये है, ये देखिए घर है, यहाँ सुपारी का खेती होता है। सुपारी आपको दिखाते हैं, मैंने अभी जस्ट अभी मिला है, ये देखिए सुपारी। तो मैं इसको अपने घर ले जाऊंगा और आप लोग थोड़ा देख लीजिए कैसा लग रहा है। तो सभी जस्ट सुबह का आपका 4:30 बजे का देखिए मॉर्निंग का दृश्य है। हमारे मित्र राजेश जी आगे बढ़, राजेश जी हाय बोलिए, हाय। हाँ तो राजेश जी भी हमारे साथ आए हैं, झारखंड से सिलीगुड़ी आए हैं। वाह देखिए कितना खुशी से एकदम फूले ने समा रहे हैं हमारे राजेश जी। ये देखिए चाय बगान। तभी देखिए अभी मेरा हालत कैसा है, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। ये देखिए क्यारी एकदम स्ट्रेट है, पहाड़ी का ये छोटे छोटे घर है। दूर दूर तक देखिए चाय नहीं वो रे दुते मधुबन से जब चाय बगान में कीड़ा लगने से बचाव के लिए क्या किया था। देखिए तो ऐसा कहा गया है कीड़ा यहाँ पर आके बैठती है वो स्वर्ग चली जाती है। कितने सारे देखिए कीड़ा, तो ये बचाव है, ये किसान अपनाए, अच्छा लग रहा है। ये दवाई लगता छिड़के हैं, इस प्रकार का चाय को बचाया जाता है कीड़ों से। ये देखिए चाय कितना प्यारा प्यारा, ये चाय बगान कटिंग हुआ है। देखिए कितनी दूर तक हरियाली नहीं दिखेगा, न्यू पत्तियाँ के लिए किया जाता है। देखिए चाय बगान अभी हल्की हल्की पत्तियाँ निकल रही है। आप लोग दिखाए थे बहुत सुंदर सुंदर घर, देखिए कितना अच्छा सुंदर सुंदर घर है। और हमारे एक मित्र मिले हैं, यहीं के रहने वाले हैं, चंद्रकांत टोपो जी। चंद्रकांत जी नमस्कार, जोहार हर महादेव, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो हमको ये बताइए आप यहाँ पर रहते हैं, इस जगह के बारे में कुछ खासियत बताइए। जी मेरा नाम चंद्रकांत टोपो है और मैं वेस्ट बंगाल गेंद्रपाड़ा चाय बागान से मैं रहता हूँ। जो आप डुअर्स बोलेंगे वेस्ट बंगाल में, तो बहुत फेमस ही जगह है डुअर्स। और खासियत ये है कि हम लोग चाय बागान के बीच में रहते हैं। शायद आपके झारखंड में चाय बागान नहीं है। नहीं, हम लोग झारखंड में चाय बागान था चुटिया में, वो अब विलुप्त हो गया है। तो आप चाय बागान से बिलोंग करते हैं? चाय बागान जितने भी यहाँ पर निवासी है अत्यधिक कहाँ से आए, पलायन होकर? सब झारखंड से आए। झारखंड, देखो दोस्तों सारे हमारे ब्रदर लोग हैं डुअर्स में, बहुत प्यार दे रहे हैं। खास के मुझे इतना प्यार मिला है कि मैं बयान नहीं कर सकता। और हमारे के अंकल जी हैं, बहुत प्यारा इनका मुस्कान है। अंकल जी जोहार। जोहार, कैसे हैं? ठीक है। कब से आप यहाँ पर हैं? अभी तो देखो 55 साल से है बेटा। ओह माय गॉड दोस्तों, 55 साल। झारखंड में कहाँ आपका घर था? इनको पता नहीं है, मेरे पापा को पता है। हाँ देखिए इनको पता नहीं, इनके पापा को पता है, ये बड़े पापा है, ज्यादा नहीं जाते है क्योंकि मेरे दादा जी झारखंड से आए थे घूमने के लिए, यहाँ थोड़ा खेती बाड़ी लिया, यही सेटल हो गया। फिर गाँव में उनको कोई पोस्ट दे दिया तो यहीं पर। मगर नहीं देखिए बहुत अच्छा जगह है, नहीं जैसे कि कहा जाता है शुद्ध वातावरण बहुत, क्योंकि शहर में रहने वाले हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम से ग्रसित है। वह यहाँ के लोग देख रहे सारे तो फिट है, तो पहले इसलिए कहा गया हेल्थ इज वेल्थ, मतलब स्वास्थ्य ही धन है। तो धन रखने का मतलब नहीं कि आप धन लेके जाइएगा, धन जो स्वास्थ्य जो होता है। जैसे आप बताया कि बहुत प्यार मिला, एक्चुअली ये है कि मेरे पूर्वज पूरा झारखंड से बिलोंग करते थे, पापा तो गए हुए हैं, हम बहुत अरसे से झारखंड जाएंगे, अपना पूर्वज भी है वहाँ,
फोन में तो बात होता है कि आओ लगभग अभी बस हम आशा करते हैं आप जरूर हमारे झारखंड में आए। झारखंड क्या आप ही का झारखंड है तो आप जरूर आए, अपने आप मिट्टी को थोड़ा सा प्रणाम करें दिल से और याद करें हमारे अपने पूर्वजों को ही भूलने नहीं चाहिए और खास के हमारे संस्कृति झारखंड जो संस्कृति आज तक कहीं ऐसा नहीं, क्योंकि संस्कृति जस्ट लाइक का हम लोग जो पूजा करते हैं जल जंगल जमीन वो हमारे ईश्वर है, क्योंकि इनके बिना आदिवासी नहीं है, आदिवासी इनके बिना जंगल नहीं है, तो दोनों का एक दूसरे का एक लगाव है, लगाव कमी नहीं हमारी संस्कृति है, जिसके कारण हमारे बिरसा भगवान अपने अपने आने वाले पीढ़ी के लिए सूली में चढ़ गए। तो बस वही कहना चाहते हैं कि हमारा झारखंड ही बढ़े और आप लोग का प्यार मिले, हमेशा आप लोग पास आएंगे और हम लोग भी चाहेंगे आप झारखंड आइए अवश्य आए, हम लोग मौका दीजिए। आप आए और इतना बढ़िया लगा, खासकर बड़े बहुत बड़े एक्टर भी है आप। चलिए धन्यवाद, एक्टर ही बात की बात है, हम आप लोग से दोस्त का हाथ बढ़ाने आए हैं, अच्छा लगा। और दूसरी ये अच्छा लगा कि हम आए थे, हमको लगा जब आ रहे थे हम बोले कि हम पहली बार निकल रहे हैं, अब क्या हो लगेगा क्या फील होगा, मगर जब आए यहाँ पर तो अपनापन लग रहा है कि अपना ही घर है। एक बात आप नोटिस किए, हम आपको बोले ना हम लोग के घर में केवल झारखंडी गाना देखा जाता है, क्योंकि बहुत मिस करते हैं। तो दोस्तों एक और बात, झारखंड के सारे लोग सुन लीजिए, आप लोग बोलते हैं ना नागपुरी कुछ नहीं हुआ क्या नहीं हुआ, ये देखिए क्या हुआ है, हमारे सारे जगह हमारे जितने भी में ज्यादातर नागपुरी वीडियो ही देखा जाता है। तो दोस्तों ये खुशी की बात है कि मैं एक्चुअली आने का जस्ट रीजन ये कि मैं नेक्स्ट फिल्म मूवी का भी शूटिंग करने वाला हूँ, बहुत सारा एल्बम और हमारा एक फिल्म आ रहा है वो अभी सरप्राइज है, दो फिल्म यहाँ लगेगी हॉल में, तो यहाँ का सारे सपोर्ट और पब्लिक हमको सारा सपोर्ट कर रहे हैं, धन्यवाद। आपको दिखाते हैं बहुत प्यारा प्यारा घर और सबसे प्यारा क्या है यहाँ पर, ये हो गया आपका क्या बोलते हैं नहीं सुपारी का खेती ज्यादा होता है यहाँ पर। चलिए धन्यवाद। सब चले हैं चाय बागान की ओर काम करने के लिए, पूरे देश को चाय उपलब्ध कराना है। देखिए कि झारखंड मोहिमी झारखंडी मॉर्निंग का सुबह का टाइम हुआ, चाय का बागान आपको एक बहुत अच्छा चीज़ दिखाते हैं। चाय का बागान में देखिए बहुत सारे बोल सकते हैं वर्कर बोल सकते हैं, यहाँ के सारे को चाय का पत्ती आते हो, जोहार जोहार नहीं बोलवे, जय जोहार जय झारखंड और जय सिलीगुड़ी। चलो रे मन बैसे बैस और बताओ चाय के बारे, इसे चाय बनता है। दोस्तों देखिए बहुत अच्छी एक मिली है यहाँ की मूल निवासी, आपका नाम क्या हुआ? क्या सुजीता जी, देखिए चाय के बगैर पत्तियाँ तोड़ रहे, कितना स्पीड हाथों में, देख रहे मशीन फेल हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा, पहली बार देखे हैं फर्स्ट टाइम पत्तियाँ तोड़ रहे हैं। तो आप लोग कब से काम कर रहे हैं? 3 साल हो गए अभी। 3 साल ढेरे पैसे जमा कर लिए होंगे? अभी तक पैसा जमा नहीं हुआ है, 15-20 वर्ष कमाते हैं। और आंटी जी आप बताइए क्या नाम आपका? कुसुम। कुसुम तो कैसा लग रहा चाय पत्ता तोड़ के? तो आप लोग सारे को तो झारखंड के होंगे, आपके जितने पूर्वज, तो हम झारखंड से आए हैं, मेरा नाम है उमी, छोटा मोटा कलाकार भी हैं, तो हमको ये बताइए कि आप लोग झारखंड से कितना प्यार करते हैं? और गाय नहीं है तो क्या दिक्कत है बतावा? हमार सोना झारखंड है, हीरा झारखंड है, तो थोड़ा सा बताइए, आपको सब देख रहे हैं कि झारखंड के से इतने लोग हैं, कि आप लोग को याद आता अपना झारखंड कितना, कि मन करता है कि एक बार भी कभी जाए झारखंड में? देखो दोस्तों देखिए यहाँ का अपना मिट्टी में गए नहीं है, सब आपका गलती है झारखंड वासियों का, आप लोग बुलाते नहीं है, है ना? आप लोग बुलाइए, आप भी गए हैं कि नहीं बार भी झारखंड? ई दैया आप भी नहीं, आप भी नहीं, सब पैसा कमाने के लिए ना, सब
अपना बोलते है ना ख्वाहिश ख्वाहिश को मिट्टी मिला दिए। तो देखिए सारे को पत्तियाँ तोड़ रहे हैं, हमको इतना अच्छा लग रहा है ना बता नहीं सकते। तो हम भी ट्राई करते हैं पत्ती तोड़ के, देखिए नहीं टूटा सॉरी। इसी से पत्ती बनता है, ये वाला पत्ता से, और ये से नहीं बनेगा नहीं। दोस्तों ये जो मोटी पत्तियाँ हैं जो बोलेंगे बुढ़ी हो गई है, वो उसका पत्ता से नहीं बनेगा, वो जो बालक है वो पत्ती से बनेगा आपका। एक बार देख लीजिए मेरा सोना झारखंड, जितने भी लोग हैं भले झारखंड नहीं गए हैं मगर प्यार बहुत करते हैं, हमेशा याद करते हैं झारखंड को। ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहिए, झारखंड जितने झारखंड से आए हैं हम मतलब देख रहे हैं, सारे को देख रहे हैं आप लोगों का वही आशीर्वाद, आप लोग आगे बढ़िए, खुशी बोले फूले फले आगे बढ़े। जोहार सिलीगुड़ी। तो दोस्तों और प्यार भरा जोहार और प्यार भरा हर हर महादेव। तो हम लोग आज आए हैं सिलीगुड़ी में, सिलीगुड़ी आए तो लग रहा है कि अब यहीं बस जाए, इतना सुंदर है ना, अद्भुत जो फील हो रहा है मैं प्रकट नहीं कर सकता। आप खुद नज़ारा देख सकते हैं कि आँख जहाँ तक तो जाएगी वहाँ तक तो आपको देखिए, हर एक व्यक्ति चल रहे देखिए कितना ऊपर, मतलब आपका कटिंग हुआ है चाय बगान, वो सोची जब बड़ा होता हुआ तो आदमी छिप जाता हुआ। तो एक और क्या बात कहना चाहते हैं कि स्वर्ग है तो यहाँ है, कहाँ सिलीगुड़ी में। तो दोस्तों आपको और अच्छे अच्छे लोकेशन दिखाएंगे, और दूसरी बात पता चला यहाँ के बारे, हमारे झारखंड प्रदेश से बहुत मतलब कि झारखंड से बहुत मतलब बिलोंग करते हैं और यहाँ पर बसे हुए हैं, तो इन्हीं घर पे आज ये रुके हैं, हमारे मित्र राजेश जी लेके आए हैं चाय बगान में, और यहाँ पर बहुत अच्छा मतलब रिस्पेक्ट मिल रहा है। हमको लगा कि चलो हम आ रहे हैं दूसरे स्टेट में आ रहे थे, क्या पता क्या मतलब कि क्या मतलब होता है ना, एक तो लगता है मन में, मगर जो रिस्पेक्ट जो मिल रहा है तो बता नहीं सकते और कमेंट भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात है, एक और बात पता चला यहाँ की मूल निवासी कह सकते हैं कि हमारे झारखंड से जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सिलीगुड़ी असम में आए हैं, वो कैसे आए, तो झारखंड उस समय डेवलप में नहीं था, अभी तो बहुत अच्छा स्तर में हमारे सरकार डेवलप कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कहना चाहेंगे कि यहाँ के लोग जो उस समय आए थे ब्रिटिश काल में आए थे, तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड के लोग कितना पावरफुल हैं, मतलब कि अपने में सेल्फ डिफेंस है, शारीरिक रूप से भी इम्यूनिटी पावर से भी। और सर कुछ बोल दीजिए, मेरे साथ आए हैं वो राहुल कैलाश आए हैं उड़ीसा, तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिल के, अभी फर्स्ट टाइम मिले भी हैं, और बहुत सारा लोकेशन साथ में भी घूमना है। और दूसरा एक्चुअली यहाँ पर आए हम लोग शूटिंग के लिए आए हैं कि लोकेशन हंटिंग करें, नेक्स्ट प्रोजेक्ट यहीं पर हम लोग करना है। तो हमारे साथ समक्ष है राहुल कैलाश है, कार्तिक जी नमस्ते, मेरा नाम है कार्तिक क्रिकेटा, हम राउर किला जी, जो कि हम लोग का ओडिशा के अंदर आता है। बहुत ही प्यारा जगह चाय बगान, जहार झारखंड, हर हर महादेव। तो आप लोग को दिखाए थे अभी चाय बगान के साथ दिखाते हैं यहाँ का घर, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत घर है। सबसे पहला दिखाएंगे ये लंबी लंबी जो वृक्ष हैं, वो 15 साल 16 साल के सेट होंगे, ये आपका सुपारी का है। यहाँ घर देखिए बहुत सुंदर सुंदर घर है, अंदर आपको दिखाते हैं हमारे बहुत ही अच्छे मित्र राजेश जिसके मित्र हैं गोवर्धन जी, जो बैठे हैं यहाँ घर दिखाते हैं, पहला एंट्री गेट में देखिए जय श्री राम, ये घर का दृश्य देखिए। यहाँ का गांव है, पूरे झारखंड के लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, और बहुत ही प्यारा एक चीज दिखाने वाले हैं आप लोगों को, ये देखिए वीर बिरसा मुंडा भगवान, बहुत ही प्यारा है कॉटेज की तरह।
छोटे छोटे दुकान हैं, मगर एक बात ये खास देखे हैं कि सारा ना एल्बेस्टर में घर सीट में, मगर अंदर जाइए वाह क्या खूबसूरत नज़ारा रहता है घर के अंदर। ये देखिए पोस्ट ऑफिस बनारहाट जलपाईगुड़ी, देख सकते हैं हमारे बहुत अच्छे यहाँ पर मिले हैं अंकल जी, पूरा घुमा रहे हैं ताजगी ताजगी हवाएं में, ज़्यादा हुआ चाय का पूरा फसल में ले गए थे घुमाने के लिए। और अरे यही पानी पट